आदाब नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ में। मलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट में आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 32 साल रूही सुल्ताना नामी खातून ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मरहूम रूही सुल्ताना के वालिद और बहनों का कहना है कि रूही सुल्ताना के शोहर हसीब खान ने रूही का कत्ल करके टांग दिया। मलकनुमा पुलिस स्टाफ और सब इंस्पेक्टर DG नरेंद्र रेड्डी ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर एक केस दर्ज कर लिया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मीडिया के नुमाइंदे तफसीलात के लिए फलकनुमा इंस्पेक्टर आर देवेंद्र ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं, रूही सुल्ताना के वालिद मोहम्मद जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए ये तफसील बताई। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर। बच्ची मेरी बेटी। कितने साल की है मैम? 32। ये सुसाइड करने की वजह? उनके शौहर को मालूम, उनको मालूम। उनका शौहर जो बहुत बदमाश था, कई वक्त मेरे से पैसा लिया, पूरा जेवर बेच के खा गया। इसकी अम्मा, इसका बाबा, इन्हें उसके बाद लड़े झगड़े हुए, मार्डर गली में खेत बुक हुआ, उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ, अलग लेकर घर को बोला, अलग लेके जा रहा यार है तो भी 40,000 दिया हमें उसको। सोना क्या हो तो सोना भेज दिए, इसके अम्मा भेज दी, खड़े हाथ में गए भेज दिए। वो हिरासमेंट 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 आना रहना बोलना जब बोलती नहीं थी, खाली दुबली हो तो चले गई। बहुत मारता था, लड़िया बता। इससे पहले दीवार को जो है भाला पकड़ के मारा। नाम? इनका नाम क्या? हसीब का। आपको किसी के ऊपर शक है? उसके ऊपर, उसका बाप, उसकी अम्मा, उसका बाप, उसकी अम्मा। इन्हें पहले मारा, फिर आ गए असरा हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे भी पैसा मैं खर्चा करा, पैसे नहीं ला। वहाँ पे बोला मैंने सीधा हो जाता हूँ या तो भाला पकड़ के दीवार के ऊपर मारा, फिक्स आना शुरू हो गया। पोलियो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर का इलाज चला, उसके पूरे सर्टिफिकेट दरखास्त सब है हमारे पास। इससे पहले आप लोग कोई कंप्लेंट कर रहे थे? हाँ, कंप्लेंट कर रहे थे मारडोरपली पुलिस स्टेशन में, उसका कंप्लेंट है। वहाँ बैठ के बातचीत हुई, हमारे वकील आए थे, उसके बाद वो आके खुद कंप्रोमाइज करा। मैं रख ले तो अलग रख ले तो बोल के बोला, तो अच्छी बात है अलग रह जा बोल के, फिर कंप्रोमाइज करके अलग करे। अलग करने के बाद 40,000 रुपए जो है वो घर को एडवांस देने का है मेरे को, बोले तो 40,000 मैं दिया, 40,000 दिए तो घर लिया एडवांस करके। घर लेके साल डेढ़ साल से समझो, मारो बोली वो पीएस ऑलरेडी ऑनलाइन पे है। उसके बाद जो है इन्हें भारम पीटी करा, फिर आके मेरे को बोलते, फिर बुला के समझा करा तो मैं परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ बोला। उसके बाद एक होता मैं क्रिकेट की बीट में पैसे आ गया, मेरे को 60,000 रुपये दे बोला, मैं बात कर दिया, एक साल भर की बात है। फिर उसके बाद इधर उधर फिरा, नौकरी नहीं कुछ नहीं क्या नहीं, ना बच्ची को खिलाता था ना फिर उसको, ना कहा रहे वो तो सोना बीती है हमारी अम्मा। जॉब करती थी? नहीं, जॉब करती मदीना स्कूल के अंदर। इनके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? IT में करता था पहले, अब क्या कर रहा नहीं मालूम, अब तो बेकार है, बेकार में रहता था। रात में हमने था, उन्हें रात में आया जो उनसे लड़ने के, जो गायब हो गया तो ये एकदम करके भाग गया। सुबह में हमें फोन करके राजमिंद्रा भारत से फोन करके पूछा, इसको बच्ची का स्विच ऑफ क्यों, बोल दो मैं जाके बात कर रहा था बोल के। ये करा यहाँ कितने साल से रहते हैं लोग? यहाँ पर कितने साल से? एक साल, दो साल से। जो भाग गया तो आके फिर खोला, मैं फोन करा तो आके खोल के जो है रोना शुरू करा पुलिस। अभी भी भाग रहा था हमारे मकान पकड़ के बिठाए, अभी भी भाग रहा था हमारे मकान पकड़ के बिठाए। क्या जा रहे हैं वो ना केस होना इसके ऊपर, दोनों अम्मा पे बाबा पे, इसके ऊपर ये लोगों को छोड़ना नहीं, इनके ऊपर केस होना। पूरा जो है मेरा सोना जो है, कम से कम जो 18-20 तोले सोना है, सोना होना है, पैसा लिए सो है, दुनिया का पैसा है मेरे पास, सो में रिकॉर्ड है पूरा, पूरे लिखे पड़ी है, वो पैसा है, वो पैसा पूरा होना पूरा, खाली लाखों रुपए का तो सामान है बच्ची का, जायज है, आप देख लो घर के अंदर लाखों रुपए का जायज है। बच्ची को हर चीज से करते थे, हर चीज से पैसा देते रहता था, वो देते रहता था, कोई चीज करता इसको भी दिया 40-40 बता था। गाड़ी है अभी नीचे गाड़ी है, भाई जायज में दिया तो गाड़ी हो बोलता, वही गाड़ी में फिरता था। आपके दामाद करते क्या थे अंकल? IT में थे, IT में थे पहले, जिस वक्त शादी हुई थी IT कंपनी में काम करते, हाटक सिटी का करता था, मतलब एजुकेटेड है, बीएड है का बाबा, वो गाड़ियाँ चलाता था, ट्राइबल था जी। उसकी अम्मा है जी। उनका वहाँ किंग कॉलोनी में रहते, वो बाबा भी गलीज, अम्मा भी गलीज, इन्हें भी अभी भी वहाँ पे मारे तोड़े थे तो केस करके अलग करे थे। वो खूब चला था केस, पे खूब चले थे, मानस बोली में इसका रिकॉर्ड है, इसका पुलिस ने पूरा कंप्लेंट है मेरे पास, मेरा पूरा सोना खा गया बच्ची का, हाथ में क्या कड़े तक बेच के मुथूट फाइनेंस में रखा दिया था, ना कि मैं कबूल करा, कबूल करके रहा मैं लेके रखा दिया था, क्या करा रहे फिर ये रखा दिया था, फिर वही बेच के खा गया होगा,
नहीं, वो हमारा घर का मसला है ना, हम अलग हो जाते हैं। अब वकील बोले जादव साहब कंप्रोमाइज कर ले रहा है, कंप्रोमाइज करता है, ये हल करके छोड़ दे।